हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है, प्रश्न है माताएं, पति और पुरुष, इन तीनों के बीच में सही बिनारे कौन सा बनेगा। इनके लिए चार ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार 343 का रिलेशन 1331 के साथ में है, वही रिलेशन 729 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। इसके लिए चार ऑप्शन दी गई है, ठीक है। और भी प्रश्न है, आकृति में कितने त्रिभुज है, जो यह आकृति दिख रही है ना, इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है, यही हम लोगों को बताना है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 71 है दोस्तों, ठीक है, ये पार्ट नंबर 71 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 70 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। सवाल नंबर एक है आपका, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है मेरे दोस्त, ठीक है। यह जो आकृति दिख रही है, इस आकृति में कितना त्रिभुज है हम लोगों को बताना। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, इसके लिए चार ऑप्शन दी गई, आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, वीडियो को रोकिए और अपने से ट्राई कीजिए, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बेसिक त्रिभुज काउंट करने का। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक आकृति बना हुआ है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक लाइन यहाँ से ऐसे खींची गई है, दूसरी ऐसे खींचा गया है और तीसरी लाइन ऐसे खींचा गया है। अगर हम आपसे पूछें कि मेरे भाई ये बता दीजिए इसमें कितना त्रिभुज है, बता दीजिए कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप कैसे काउंट करेंगे इनको, जानते हैं कैसे काउंट करेंगे मेरे भाई। इसको आप लोग काउंट करेंगे, इसको सबसे पहले नंबरिंग कर देना, 1 2 3 4, चार तक इसको नंबरिंग कर देना, और जो भी नंबर है इन सारे नंबर को आपस में ऐड कर देना, ठीक है। तो 2 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 3 6 6 और 4 10, तो इसमें टोटल, चाहे ऐसे भी तुम काउंट कर सकते हो, 1 प्लस 3 प्लस 4, इसमें टोटल कितना त्रिभुज बनेगा, तो इसमें 10 त्रिभुज बनेगा। यही आकृति जो है ना मेरे दोस्त यहाँ पर बनाया गया है, देखो इसी आकृति को हमने जूम करके यहाँ पर बनाया है, यही आकृति है। तो इस वाले आकृति में टोटल कितना त्रिभुज, 10 त्रिभुज। ऐसा ही आकृति नीचे है, ऐसा ही आकृति यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में भी 10 त्रिभुज, 10 यहाँ से भी हो जाएंगे, समझ रहे, 10 हो जाएंगे यहाँ से, बहुत बढ़िया। तो 10 और 10 20 और 10 कितना हो गया मेरे भाई, 30 तो हो गया ये बेसिक आकृति। अब देखो एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन कौन बचना है, एक इन तीनों आकृति को जब हम सटा के बना रहे हैं तो नया त्रिभुज 2 बन रहे हैं, कौन कौन, देखो एक पहला त्रिभुज तो ये छोटा वाला बन रहा है, ये हो गया पहला त्रिभुज, अच्छा एक हो गया ये 12 वाला त्रिभुज, ये दूसरा हो गया, तो 2 हमारे पास और एक्स्ट्रा त्रिभुज बने हैं, 2 और अतिरिक्त त्रिभुज बने हैं, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32 हो जाएगा, 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब 32 को किस ऑप्शन में रखा गया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, दिए गए 2 चिन्हों और 2 संख्याओं अंक नहीं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। क्वेश्चन है कि दिए गए चिन्हों यानी भागा और प्लस को आपस में चेंज करना है, और 12 और 14 को आपस में चेंज करना है। यहाँ पर बोला गया कि अंक नहीं, अंक कितना होता है, 9 होता है, अंक कितना होता है, 9, कौन कौन, एक होता है पहला, दूसरा एक 0 भी होता है, 0 1 2 3 4 5, तो इन सबको नहीं लेना है, केवल यहाँ पर जो 12 और 14 को आपस में चेंज करना है करेंगे। देखो जहाँ भी भागा है इसके जगह पे हम लोगों को प्लस लेना है, और जहाँ भी प्लस है उसके जगह पे हम लोगों को भागा लेना है, बहुत बढ़िया। जहाँ भी मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, जहाँ भी यहाँ पर 12 है उनको लेना है 14,
12 के स्थान पे 14 लेना है और 14 के स्थान पे लेना है 12। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब इन समीकरण में इसको तुम सॉल्व करो। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, 12 है, तो 12 के जगह पे क्या लेना है तुम्हें, 14 लेना है। 12 के जगह पे 14 लेना है, बहुत बढ़िया। उसके बाद भाग है, तो भाग के जगह पे प्लस लेना है, 45 है ना, यहाँ पर क्या है 45। तो इस 45 के बाद में क्या है, प्लस है, तो इनके जगह पर प्लस के स्थान पर हमें क्या लेना है भाई, भागा लेना है 15। उसके बाद में गुना ऐसे ही ठीक है, जो 14 है इसके जगह पे 12 लेना है और माइनस 10। बस मेरे दोस्त, आईसीयू को हम बोडमास के तरीका से सॉल्व कर देंगे। बोडमास के तरीका कहता है, सबसे पहले भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद प्लस का, तब जाके लास्ट में माइनस का होगा। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 14 ऐसे ही ठीक है, प्लस का 45 को जब हम 15 से भाग करेंगे, 45 को जब हम 15 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 15 गुना 3 45, यहाँ पर हो जाएगा 3, और गुना 12 ऐसे ही ठीक है, माइनस का 10 ऐसे ही ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 14 ऐसे ही ठीक है, समझ रहे हैं, ये प्लस 3 गुना 12 कितना हो जाएगा, 12 गुना 3 हो जाएगा मेरे भाई 36, और माइनस का 10 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 36 में 14 को हम जोड़ेंगे और माइनस का 10 करेंगे, तो 14 में 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 36 को जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब 50 में से 10 को जैसे ही हम घटाएंगे कितना बचेगा, 40 बचेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़बरदस्त क्वेश्चन। जैसे देख रहे हैं JMPS का रिलेशन ADGJ से है, उसी प्रकार QTWZ का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, J है, उसके बाद में M है, उसके बाद में P है, उसके बाद में S है, आगे क्या है A है, उसके बाद में D है, समझ रहे हैं, A है, D है, उसके बाद में क्या है, G है, उसके बाद में J है, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है क्यों है, उसके बाद में टी है, उसके बाद में डब्लू है, क्यों टी डब्लू, समझ रहे हैं, क्यों देखो क्यों टी डब्लू, उसके बाद में जेड है, और इसके आगे जो क्वेश्चन मार्क है यही तो हम लोगों को निकालना है। अब देखेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखेंगे कि जे से एम बन रहा है प्लस 3 करने के बाद, समझ रहे हैं, जे का स्थान 10 होता है, एम का 13 होता है, एम से पी बना है प्लस का 3, पी से एस बना है प्लस का 3, समझ रहे हैं, वही लॉजिक, ए से डी बना प्लस का 3, डी से जी बना प्लस का 3, जी से जे बना प्लस का 3 हुआ है। यहाँ पर क्या यही लॉजिक है जी, क्यू से टी बना प्लस का 3, टी से डब्लू बना प्लस का 3, डब्लू से जेड बना प्लस का 3, सारे लेटर में ही प्लस का 3 हो रहा है, तो ऑप्शन को चेक हम करेंगे, ठीक है, प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे एल से ओ बना है प्लस का 3, समझ रहे हैं, ओ से आर बना है प्लस का 3, आर से यू बना है प्लस का 3, इसका मतलब ऑप्शन बी में सेम लॉजिक दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन, जबरदस्त। देखेंगे माताएं, पति और पुरुष, ये तीनों के बीच में सही बिनर कौन सा बनेगा, हम लोगों को बताना है मेरे दोस्त। यहाँ पर हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे कि माता और पति के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पति क्या है मेल है, माताएं क्या है फीमेल है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे पति और पुरुष के बीच में क्या रिलेशन है, पति और पुरुष के बीच में क्या रिलेशन है, देखो जितना भी पति होते हैं वो सारे पुरुष होते हैं, ठीक है, जितना भी पति होती है वो सारे पुरुष होते हैं, इसमें ऑल का रिलेशन है, यानी सभी का रिलेशन है, ये बात को समझ रहे हैं। और ऐसे तुम नहीं कह सकते हो कि सारे पुरुष पति हैं, बिल्कुल गलत होगा, जानते हैं क्या है, क्योंकि जितना भी पुरुष होते हैं वो सारे पति नहीं बनते हैं, सारे पुरुष का शादी नहीं होती है, लेकिन सॉरी
लेकिन मेरे दोस्त जितना भी पति बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, सारे पुरुष होते हैं, ठीक है। और माता और पुरुष के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। चलिए तो इसका आरेख कैसा बनेगा, देखो ये जितना भी पति हैं, एक पति, इस सारे पति जो है ये पुरुष के भीतर आएंगे। सारे पति किन के भीतर आएंगे, पुरुष का, सारे पति पुरुष के भीतर आएंगे। आप माताएं के जो आरेख होगी ना वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। तो ऐसा आरेख कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखो ये जो सीरीज है यहाँ पर हम लोग को बताना है कि कौन सा होगा आंसर। तो मेरे भाई हम सभी कोई बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो इसमें चार सर्किल था, उसके बाद तीन सर्किल हो गया, उसके बाद दो सर्किल हो गया, तो अगली आकृति में कितना सर्किल हो जाएगी, एक सर्किल। ऐसा जो पंचभुज बन, चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पर हो जाएगी एक सर्किल। और सर्किल कहाँ पे होगा भाई, देखो वो जो सर्किल होगा अंदर वाले वृत्त के साथ जो टच है वो नहीं खत्म हो रहा है, जो अंदर वाले वृत्त के साथ में जो भरा वृत्त बन रहा है वही स्थित है, बाकी सब खत्म हो जा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर ये अंदर वाला जो है या अंदर वाला यहाँ पर रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर इसमें कुछ रोटेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कैसे, देखो ध्यान से, कुछ रोटेशन भी हो रही है इनका। ये वाला जो सर्किल के साथ में ये भाग है ना, ये पहले यहाँ पर आता है, अगली बार आता है यहाँ पर, फिर अगली बार जाएगा ई कोना में ही जाएगा, ठीक है। अगली बार ई कोना कोना में जाएगा, तो अगली बार मेरे दोस्त ई कोना में जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर नहीं आ सकता इसीलिए भी गलत, यहाँ पर नहीं आ सकता इसीलिए ए गलत। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये दोनों में कोई हो सकता है। अब हम देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर एक सर्किल होगा, लेकिन इस सर्किल में जो कलर किया हुआ भाग है, देख रहे हैं ये कलर किया हुआ जो भाग है, ये सर्किल के जस्ट सटा हुआ है, तो यहाँ पर सटा हुआ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया भाई, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, क्योंकि ये खाली हो ही नहीं सकता, इसीलिए गलत। बच्चा क्या, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जिस भाई ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर संतरा है, संतरा है, आम है, अंगूर है और आलू है, ये चारों में कौन सा अलग होगा। देखो मेरे दोस्त, संतरा, आम और अंगूर ये तो तीनों है, ये तीनों क्या है मेरे भाई, ये सभी क्या है, फल है, जबकि आलू क्या है मेरे भाई, सब्जी है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, आलू सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि BOARD शब्द के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है BO, उसके बाद में A, उसके बाद में R और उसके बाद में D है, ठीक है। इसको चेंज करना है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं, तो इसमें बताए सबसे पहले कौन आता है, अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है, तो सबसे पहले ए आएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में बी आता है, तो ओ के स्थान पर बी आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा ओ आर डी में सबसे पहले डी आता है, तो डी आ जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में ओ आता है, तो ओ आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और लास्ट में आ रहेगा, ई बताइए इसमें कौन सा ऐसा लेटर है जो दोनों स्थान में, ऊपर जितने स्थान पे उतने स्थान पे नीचे है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, सारा ही स्थान परिवर्तित हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझे हैं कि नहीं समझे, क्वेश्चन समझिए। जैसे यहाँ पर एक तीन ऐसे करो, एक दो हो गया, यहाँ पर
तीन हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी तीन हो गया, यहाँ पर हो गया कितना, सात हो गया। क्वेश्चन को अनुसार इसमें समझिए, इसमें समझ जाएगा बेहद तरीके से। इसमें बोला है कि इसको तुम, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे ऐसे भी इसको हम और शॉर्ट में बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है एक, तीन, उसके बाद में दो लिखा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या लिखा है मेरे भाई, चार लिखा है। इनको बोला जैसे इनको अगर सजा दिया जाए बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, और सॉरी अवरोही बोलो आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है मेरे दोस्त बढ़ते हुए क्रम, अगर इसको सजाया जाए तो कितने नंबर है जो स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आएगा सबसे छोटा एक, उसके बाद आएगा दो, उसके बाद आएगा तीन, उसके बाद आएगा चार। तो इसमें कितना ऐसा नंबर है जो स्थान अपरिवर्तित है, देखो जो एक है ये भी पहले भी पहले स्थान पर था, अभी भी पहले स्थान पर है। उसके बाद जो चार है पहले भी चौथा स्थान पर था, अभी भी चौथे स्थान पर है। सिमिलरली ऐसा ही लॉजिक इसमें है, कोई ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 मार्च 2015 को सोमवार था तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। 15 मार्च 2015 को सोमवार था तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। मेरे दोस्त मार्च से लेकर जुलाई तक सारा ही विषम दिन तुम काउंट कर लो। सबसे पहले आएगा मार्च, मार्च के बाद में आता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद में आता है जुलाई। बहुत बढ़िया। अब देखो कैलेंडर का एक रूल है, जो पहला महीना होता है, जो पहला महीना होता है उसमें हम लोग लिखते हैं, जानते हैं क्या, बची हुई तारीख। जो आखिरी महीना होता है उसमें हम लोग लिखते हैं दी गई तारीख। अब हम देखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेरे दोस्त इसमें जो लॉजिक है कैसे लगाएंगे। मार्च में हम लोग लिखेंगे बची हुई तारीख, जो मार्च महीना होता है वो 31 दिन का होता है, जिसमें 15 दिन हमने यूज कर लिया है तो कितना दिन बचा है मेरे भाई, 16 दिन बचा है, तो मार्च में रहेगा 16। अप्रैल जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है, मई जो महीना होता है 31 दिन का होता है, जून जो महीना होता है ये भी 30 दिन का होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा जुलाई में दी गई तारीख, तारीख कितना दिया गया है, 10 दिया गया, तो यहाँ पर 10 हम रखेंगे। बहुत बढ़िया। इन सबको जोड़ो, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो मेरे दोस्त, कैसे, इसको 7 से भाग करके और छोटा कर सकते हो। 7 से भागा दोगे तो इसमें आ जाएगा 2, 7 से यहाँ पर भागा करोगे तो 2। ये 2 क्या है मेरे भाई, 7 का शेषफल है। 16 को 7 से भागा करेंगे तो 2 शेष बचेगा, 30 को हम 7 से भागा करेंगे तो 2 शेष बचेगा, 31 को हम 7 से भागा करेंगे तो कितना, 3 शेष बचेगा, 30 को भागा करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 2, 7 के भागा करें 10 को 7 से भागा करेंगे तो शेष और बचेगा 3। अब इन सब को तुम ऐड करो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 3 12, 12 हो जाएगा, फिर से 7 से भागा 2 तो कितना बचा, 5 बचा शेषफल। 12 को जब हम 7 से भागा देंगे तो 5 शेषफल बचेगा, और जो शेष 7 का जो शेषफल होता है उसी को विषम दिन कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे 15 मार्च से हम लोग जा रहे हैं 10 जुलाई, कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं तो जो निकाला गया विषम दिन है इसको प्लस कर दिया जाएगा। तो जो सोमवार है इस सोमवार में प्लस का हम लोग 5 करेंगे, सोमवार में प्लस 5 करेंगे तो कौन सा दिन होगा। सोमवार में 5 दिन प्लस करेंगे मेरे भाई तो शनिवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करना मेरे दोस्त। यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है, यही हम लोग को चेक करना है। बनाइए आप लोग। चलो हम बताते हैं मेरे दोस्त। यहाँ देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में ई का स्थान कितना होता है, ई का स्थान होता है 5। ऑलरेडी यहाँ पर ई का स्थान 5 दिया गया,
समझ रहे हैं। टी का स्थान कितना होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 20 होता है। यहाँ पर भी टी का स्थान 20 लिखा गया है। अच्छा, जेड का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है? तो 26 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी जेड को 26 लिखा गया है। अच्छा, भी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 22 होता है, तो यहाँ पर 22 नहीं, यहाँ पर 16 लिखा है। भी का स्थान 22 होता है तो यहाँ पर 16 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी बाकियों से अलग हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन सी बाकियों से अलग हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हम सभी कोई देख रहे हैं, सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। कुछ यहाँ पर क्या है, 85 है, उसके बाद में क्या है, 84 है, उसके बाद में क्या है, 92 है, यानी कि 92 है, उसके बाद में क्या है, 65 है, उसके बाद में क्या है, 129 है, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, हम लोगों को यही चेक करना है। तो देखें कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अंतर कितना है, 85 से जब हम 84 पे जाएंगे, 85 से जब हम 84 पे जाएंगे मेरे भाई, तो कितना प्लस का 1 किया गया है, समझ रहे हैं। अच्छा, 84 से जब हम 92 पे जाएंगे, यहाँ प्लस का तो 1 मिला, यहाँ प्लस का कितना मिलेगा, यहाँ पर प्लस का 8 मिलेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, 92 से जब हम 65 पे जाएंगे, यहाँ पे तो घट गया, यहाँ पे घट गया मेरे भाई, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 85 से 84 बना, यहाँ भी -1 हुआ। अच्छा, 84 से 92 पे गए हैं तो प्लस का 8 हुआ, समझ रहे हैं। 92 से 65 पे हम लोग जा रहे हैं तो माइनस का कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, माइनस का 27 हो रहा है, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, माइनस का 27 ही हो रहा है। हो देखो, तुम चेक भी कर सकते हो मेरे दोस्त, देखो ध्यान से, यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, बहुत बढ़िया, माइनस का 27 हो रहा है। उसके बाद 65 से हम लोग 129 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4 और 12 में से 6 जाएगा 6, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये बताइए यहाँ पर कितना प्लस या माइनस किया जाएगा, तो मेरे भाई देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले हुआ है माइनस, फिर हुआ है प्लस, फिर हुआ है माइनस, फिर हुआ है प्लस, तो अगली बार क्या होगा, अगली बार होगा माइनस, कितना माइनस होगा, हो कितना माइनस होगा, देखो यहाँ पर -1 +8 -27 +64, यहाँ पर देखो जो 1 है 1 का क्यूब है, 8 है 2 का क्यूब है, बहुत बढ़िया, जो 27 है ये 3 का क्यूब है, बहुत बढ़िया, जो 64 है ये 4 का क्यूब है, तो अगली बार 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब कितना, 125 होता है, तो 129 में से 125 घटेगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 4 बचेगा, और 4 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार है। क्वेश्चन है, टी डबल ई एन को 20, 55, 14 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इंटर को के लिए क्या कोड होगा, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर लॉजिक के, सबसे पहले टी, यहाँ पर डबल ई है, टी डबल ई एन को उसने क्या लिखा है, 20 लिखा है, उसके बाद में डबल 5 है, ठीक है, उसके बाद में क्या है, 14 लिखा है। उसी प्रकार मेरे बाबू यहाँ पर जो क्या है आई, उसके बाद में क्या लिखा है, आई एन टी ई आर, इनका कोड क्या होगा, तो हमार दोस्त मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, टी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 20 होता है तो 20 लिखा, ई का स्थान 5 होता है तो 5 लिखा, फिर से ई का स्थान 5 होता है तो 5 लिखा, एन का स्थान 14 होता है तो 14 लिख दिया, यानी समझ रहे हैं, देखो समझ रहे हैं, टी का स्थान 20 होता है तो 20 लिखा,
ई का स्थान पाँच होता है तो पाँच लिखा, फिर से ई का स्थान पाँच होता है तो पाँच लिखा, एन का स्थान चौदह होता है तो चौदह लिखा गया। यानी जितना भी लेटर, जो लेटर है उसके प्लेस वैल्यू को ही ऐड कर दिया जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर जिस इस लेटर का भी प्लेस वैल्यू हम जोड़ लिख देंगे। ई का स्थान कितना होता है? पाँच होता है। एन का स्थान चौदह, टी का स्थान बीस, ई का स्थान पाँच, आर का स्थान अठारह। अब देखो मेरे दोस्त, पाँच चौदह बीस, पाँच सौ अठारह ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के व्यवस्था क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बहुत बढ़िया, देखो ये हमारा डिक्शनरी का क्वेश्चन है और इसको अंग्रेजी बरमाला के अनुसार या फिर अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार, डिक्शनरी में एक्चुअल में होता है क्या? देखो डिक्शनरी में जितना भी लेटर ए से शुरू होते हैं वो पहले आते हैं, जितना भी लेटर बी से शुरू होते हैं वो बाद में आते हैं। यानी जिस प्रकार अल्फाबेट की पोजीशन होता है उसी प्रकार वर्ड को रखा जाता है डिक्शनरी में। कभी डिक्शनरी बुक उठा के तुम देखना, आजकल तो मोबाइल में सब कोई देख लेता है वर्ड को, लेकिन डिक्शनरी में ये बात को देखना। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कौन वर्ड पहले आएगा कौन वर्ड बाद में आएगा, इसको हम जाँच करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो पी आर ओ सब में कॉमन है। देखो पी आर ओ यहाँ भी है, पी आर ओ यहाँ भी है, पी आर ओ यहाँ भी है, पी आर ओ यहाँ भी है। पी आर ओ के आधार पे हम नहीं बता सकते हैं पहले वर्ड कौन आएगा। अब देखो ये जो एक नंबर में वर्ड लिखा है पी के बाद में क्या है? एच है। अच्छा, उसके बाद तीन नंबर में जो वर्ड लिखा गया है पी नहीं, मेरे भाई गलती हो गया, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। देखो पी आर ओ, ओ के बाद में जो लेटर दिया गया है, एक नंबर में ओ पी दिया है, दो नंबर में ओ के बाद में एन दिया है, तीन नंबर में पी ओ के बाद में पी दिया है, चार नंबर में ओ के बाद में क्या, ओ के बाद में क्या दिया है? पी दिया है। तो ये बताइए सारे में पी दिया है ऑप्शन और दूसरा वर्ड में एन दिया है, एन पहले आता है कि पहले पी आता है? नहीं, पहले आता है एन, एन वाला वर्ड दो है तो दूसरा वर्ड आ जाएगा पहले। अब हम देखेंगे यहाँ पी वाले में कंपेयर करेंगे। यहाँ देख रहे हैं पहला वर्ड में पी के बाद में एच है, यहाँ पर पी के बाद में ई है, यहाँ पर पी के बाद में ओ है। तो ई बताइए एच ई ओ इनमें सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले में ई आता है तो दो के बाद में आ जाएगा तीन। बहुत बढ़िया, उसके बाद ई बताइए एच आएगा कि ओ आएगा? नहीं मेरे भाई, एच आएगा। तो एच वाला वर्ड है पहला, उसके बाद में आएगा चौथा। तो इसका जो आंसर होगा 2314 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मज़ेदार है। 343 का जो रिलेशन 1331 के साथ में है वही रिलेशन 729 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो 343 लिखा गया है इनसे 1331 कैसे बन सकता है। उसी प्रकार 729 लिखा है ना, 729 से अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या नंबर आएगा हम निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ जो 343 है मेरे दोस्त ये सात का क्या है? सात का घन है, सात का क्यूब है। जो 1331 है ये क्या है? 11 का मेरे दोस्त क्यूब है। बहुत बढ़िया, अच्छा ये 729 क्या है? ये 9 का क्यूब है। लेकिन यहाँ पर लॉजिक तो मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, ये 343 सात का क्यूब है, 11 का क्यूब 1331 है, लेकिन पहला नंबर से दूसरा नंबर बना कैसे? देखो यहाँ सात में प्लस का हम चार कर देंगे तो 11 बन जाएगा, समझ रहे? सात में प्लस चार करेंगे तो 11 बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पे 9 का क्यूब किया गया है तो इसमें प्लस चार करेंगे, 9 में प्लस चार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब हम इन 13 का करेंगे क्यूब,
इन 13 का करेंगे क्यूब्स, 13 का क्यूब्स करेंगे कितना हो जाएगा, 13 का क्यूब होता है मेरे भाई 2197। 2197 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 13 का जो क्यूब होता है, 13 का घन होता है, वह 2197 होता है। और 13 कहाँ से आया, यहाँ पर 7 से अगला नंबर 11 बनाया गया प्लस 4 करके, उसी प्रकार 9 में प्लस 4 करेंगे तो 13 बनेगा, और 13 का क्यूब करेंगे 2197, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट और यह रैंकिंग का क्वेश्चन है, यानी देखो यहां पर क्वेश्चन है एक परिसर में एम एन ओ पी ओ पी के बाद क्यू आर और एस नामकरण घर एक पंक्ति में हुए वर्णाक्रम में नहीं है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर लोग है कितना, एम एन दो दो चार दो छः एक सात लोग है, ठीक है, जो एक पंक्ति में बैठे हुए। जैसे मान लो यहीं पे हम बना लेते हैं, ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, ये तीसरा व्यक्ति हो गया, ये चौथा व्यक्ति हो गया, ये पांचवा व्यक्ति हो गया, ये छठा व्यक्ति हो गया, ये सातवा व्यक्ति हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका दायां किधर होगा, इसका जैसे यहाँ पर है इसका दायां कुछ नहीं, जो हमारा दायां होता है वो इसका भी दायां होगा, जो हमारा बायां होता है इसका भी बायां होता है, इसका दायां और बायां हम अपने अनुसार ही लेंगे, ठीक है। अच्छा जब पंक्ति में नहीं दिया गया कि कौन सी दिशा में बैठाना है, तो हमेशा मेरे दोस्त पंक्ति में व्यक्ति को उत्तर दिशा में बैठा देना। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पी किसी भी छोर पर नहीं है। बहुत बढ़िया, यानी पी कोनो छोर पर नहीं बैठा है, इसका मतलब छोर का मतलब पी ना तो यहाँ बैठेगा और पी ना तो यहाँ बैठेगा, पी यहाँ कभी नहीं बैठ सकते दोनों जगह पर। बहुत बढ़िया, ये हमारा डेफिनेट पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसको लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से डेफिनेट पॉइंट मिल रहा है, आर पी के ठीक दाएं पड़ोसी में है। ये भी बात क्लियर नहीं है कि पी कहाँ बैठेगा, लेकिन यहाँ से एक बात क्लियर मिल रहा है। देखो यहाँ से एस बाएं से तीसरा स्थान है, एस बाएं से तीसरा है, तो एक दो तीन एस जो है यहाँ पर आ जाएगा, एस बाएं से तीसरा है, तो ये पहला दूसरा तीसरा आ गया यहाँ पर, एस जो है वो बाएं से तीसरा है। बहुत बढ़िया, ओ एकदम छोर पर है। देखो जो ओ है वो या तो यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा। बहुत बढ़िया, अब देखो आगे पॉइंट क्या कहता है, एकदम छोर पर है, एम दाई ओर से दूसरा है, एम दाई ओर से दूसरा है, दाई ओर से दूसरा कौन है, एम एक दो, दूसरा कौन है एम, तो एम आ जाएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया, उसके बाद क्वेश्चन है ओ एन के पड़ोसी में नहीं है, ओ जो है वो एन के पड़ोसी में नहीं है, ओ एन के पड़ोसी में नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन कहता है, अब यहाँ पर इस पॉइंट का जब हमने यूज कर लिया, अब हम देखेंगे मेरे दोस्त जो जो पॉइंट छोड़े हैं उस पॉइंट का हम यूज करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हमने छोड़ा था, वो पॉइंट कहाँ पर था, देखो वो पॉइंट यहाँ पर था, इस पॉइंट को तुम पढ़ो, ये पॉइंट है आर पी के ठीक दाएं पड़ोसी में है। देखो अगर हम पी को यहाँ पर बैठे तो पी किसी भी छोर पर बैठेगा, पी यहाँ बैठेगा तो इसका दाया छोर इधर कुछ नहीं है, सॉरी इसके दाएं आर नहीं आ सकता है, तो इसीलिए पी यहाँ नहीं बैठेगा, कन्फर्म हो चुका है, तो पी बैठेगा यहाँ पर। आज जब पी बैठेगा यहाँ पर तो पी के दाएँ ठीक पड़ोसी में कौन है, आर है, तो आर आ जाएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब देखो क्वेश्चन ने बोला था ओ एकदम छोर पर है, ओ छोर पर है तो फिक्स है कि ओ बैठेगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया, अब देखो यहाँ पर क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन दो व्यक्ति बैठे तो ये दो व्यक्ति को यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है, हम बताएं इसमें इन व्यक्ति को कहाँ पे बैठा है मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा बच रहा है, देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ना शुरू करो, पी किसी भी छोर पर नहीं है, ओ माई गॉड यार गलती हो गया, पी किसी भी छोर पर नहीं है, हो पी किसी भी छोर पर नहीं, पी यहाँ भी नहीं बैठेगा, पी यहाँ भी नहीं बैठेगा, आप पी के दाएं बगल में आ रहे हैं, यही ना मिस हुआ था, P
पी यहाँ बैठाते हैं तो इसके दाएं बगल में आर नहीं आ सकता, पी को यहाँ मैं नहीं बैठा सकता क्योंकि इसके दाएं बगल में आर नहीं आ सकता, तो पी को मैं यहाँ बैठाऊंगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन ने एक और पॉइंट बोला था कि ओ एकदम छोर पर है, ओ एन के पड़ोसी में नहीं है, अगर हम ओ को यहाँ पर बैठाते हैं तो यहाँ पर एन को नहीं बैठाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेरे भाई देखो ध्यान से, यहाँ पर इसीलिए ओ को हमें यहाँ बैठाना होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ओ यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, इसमें हम बताते हैं आपको, यहाँ पर और कुछ पॉइंट छूटा नहीं है, पी आर हो गया, पी किसी भी छोर पर नहीं है, बहुत बढ़िया, आर पी के ठीक दाएं बगल, बहुत बढ़िया, एस बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ एकदम छोर पर है, एम दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा, उसके बाद है पॉइंट ओ एन के पड़ोसी में बैठा है, जो ओ है वो एन के पड़ोसी में बैठा है, ए पड़ोसी में नहीं बैठा है, तो इसीलिए क्यों कहाँ पर स्थित है, क्यों कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, क्यों कहाँ पर स्थित है। अब देखो इस पॉइंट का यूज करके हम कहाँ बैठाएंगे, वो जो है किसी भी छोर पर बैठा है, वो किसी भी छोर पर बैठा है, अगर हम ओ को यहाँ बैठाते हैं तो एन यहाँ पर नहीं आ सकता है। बहुत बढ़िया। इस अगर हम ओ को यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, तो इसीलिए एन आएगा यहाँ पर, समझ रहे हैं, एन आएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ओ छोर पर बैठ गया तो एन आ गया यहाँ पर। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पर कि क्यों कहाँ पर बैठेगा, तो क्यों बैठेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्यों बैठ गया। अब देखो मेरे दोस्त क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्यों कहाँ पर स्थित है, क्यों कहाँ पर है, तो देखो बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्यों बैठा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट, मज़ेदार, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर भिन्न ज्ञात करना है, देखो 5 से 25 बना है, क्या किया गया है 5 का स्क्वायर, 7 से 343 बना है, क्या किया गया है 7 का घन, 4 से 64 बनाया गया, क्या किया गया है 4 का घन, 1331 बना है, 11 का क्या है घन, तो इनमें सबसे अलग कौन है। दूध पीने वाला बच्चा भी बता देगा कि ऑप्शन नंबर सी बाकियों से अलग है, क्योंकि सारे नंबर में पहले नंबर का घन करके दूसरा नंबर बनाया जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर करके दूसरा नंबर बनाया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इन सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।